के बहुत बड़ा आदमी दे गले दे तो बन जाएगा। और जो 50,000 साल का दिन है, पूरा दिन जिस दिन मिकदार 50,000 साल के बराबर है, एक दंग लादा रहेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, यो माल खजाना है जो आज सब बन के तुहानू दंग ला रहा है, जिस दी तुसां ज़कात अदा नहीं कीती। जिस तरह नमाज दी फजाइल बहुत ज्यादा ने, ज़कात दी फजाइल बहुत ज्यादा ने, इसे तरह नमाज अदा ना करन के नुकसानात दीनी दुनियावी आलमी बरज़ख और माशर के अज़ाब जो है वो भी बहुत सख्त है। ज़कात अदा ना करन के बहुत नुकसानात दुनिया के अंदर कब्र में और आखिरत में बहुत सख्त ने। जिस आदमी ने अपने ऊँटा की ज़कात अदा ना की थी, अगर 5 तो लेके 9 तक ऊन हो जाए और उनके साल गुजर जाए, 5 तो लेके 9 तक ऊन हो और उनके साल गुजर जाए, तो साल बाद उनके ज़कात अदा करना भी फर्ज है। कितनी? 1 बकरी उनके ज़कात बनेगी। इस तरह 10 to 14 तक ऊंट हो जान और उन्होंने पूरा साल गुजर जाए, फिर 2 बकरियां ज़कात बन दिया। इस तरह गावां दी, मज्जा दी, पेड़ बकरियां दी ज़कात है। अगर 30 तो लेके 39 तक गावां आदमी के कुल हो जाए, 30 तो लेके 39 तक और उन्हें 1 साल गुजर जाए, तो साल बाद 1 बच्चा या 1 बच्ची उसकी ज़कात बनेगी, वो देनी फर्ज है। रब ताला का मुकर्रर किया हुआ फर्ज है। इस तरह बकरियां 40 तो लेके 120 तक हो जाए और उन्हें साल गुजर जाए, साल बाद उन्हें जो 1 बकरी ज़कात देनी फर्ज है। इस तरह 121 को लेके 200 तक बकरियां हो जाए और उन्हें साल गुजर जाए, तो साल बाद उनकी ज़कात 2 बकरियां बन गया, वो रब ताला के रस्ते में ज़कात देनी फर्ज है। नबी पाक ने सलाम में फरमाया, जिस बंदे ने ऊंटा दी या गावा दी बकरियां दी अपने माल की ज़कात ना दिती, फरमाया क़यामत का दिन होगा, पैर भी नंगे, जिस्म भी नंगा, सर भी नंगा, तपदी जमीन, गर्म जमीन ते लटाया जाएगा। जितने बंदे को मौजूद सी और उन्होंने ज़कात अदा ना की थी, ऊंट बारी बारी होके तो लंघते जाएंगे, कुचलते जाएंगे। जितने ऊंट हुए कुचल के फिर दोबारा नवे सिरे तो कुचलेंगे और 1 दिन की मिकदार 50,000 साल दे बराबर जो है, वो जितनी देर तक जन्नती जन्नत में नहीं जाते या जहन्नमिया का फैसला जहन्नम में जान का नहीं हो जाता, उन्होंने अजाब दिता जाता रहेगा। इस तरह गावां बंदे को कुचलनगियां, बकरियां अपने सिंगा के नाल बंदे को मारनगियां, कुचलनगियां। तो अल्लाह ताला ने
ये माल दिता जान दिती अल्लाह ताला पसंद फरमाता है बंदा मेरे दिते हुए रिजल्ट विचों एक मखसूस मिकदार को मेरे रस्ते विच मेरी रजा की खातर खर्च करे। एक पासे माल की मुहब्बत है, एक पासे जान की मुहब्बत है, और एक पासे रब ताला की मुहब्बत है। रब ताला इस खर्च का सिदा की देता है। फरमाया लोगों तुहाडा माल जिसनों तुसी अदा करते जी उनकी अदायगी बाद में होती है, अल्लाह ताला कबूल पहले फरमा लेता है और आखिरत दे विच वो जरिया नजात बन जाता है, जहन्नम विच जान की रुकावट बन जाता है ईमान। और अगे इशारा फरमाया ईमान जो है एदा सिला अल्लाह ताला की देता है, एदा सिला अल्लाह ताला जन्नत अता इसका सिला जन्नत। तो जन्नत जो है बाकी है, बाकी रहने वाली चीज है दुनिया, और दुनिया की हर चीज फानी है। तो बंदा ए मोमिन उनका रब ताला इम्तिहान लेता है क्या ये फानी नाल मुहब्बत करता है या बाकी नाल मुहब्बत करता है। इकबाल फरमाते ने एक बंदगी खुदाई एक बंदगी गदाई या बंदाए खुदा बन या बंदाए जमाना या बंदाए खुदा बन या बंदाए जमाना। अल्लाह ताला ने माल देने वाला कौन है बोलो, माल देने वाला कौन बोलिए, अल्लाह का नाम लीजिए। हर बंदे को माल किने दिया, अल्लाह, जान किने दीती, तो बोलिए माल देने वाला कौन, जान देने वाला कौन। अल्लाह ने फरमाया लन तनालु बिरा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया तुसी हरगज हरगज असल नेकी नु नहीं पहुंच सकते जितनी देर तक अपनी पसंद वाली चीज नु रब ताला दे रस्ते विच कुर्बान ना कर लोगे। हुण एक पासे माल दी मोहब्बत है, इस्लाम तो माल दी लोड़ पई है। असा देखना सहाबा ने की कीता है जदों माल दी लोड़ पई है, हजरत ने अबू बकर सिद्दीक माल मेरे आका ने कदमां विच घर दा सारा रख के अर्ज करदे ने आका घर विच मैं कोई चीज नहीं छड्डी या रब नु छड्डया है या रब दे रसूल नु छड्डया है। माल दी लोड़ पई, सहाबा इकराम ने माल भी कुर्बान कीता, जान दी लोड़ पई, सहाबा इकराम ने जान भी कुर्बान कीती, कभी बदर दे मैदान विच कुर्बान कीती, कभी उहद मैदान विच कुर्बान कीती, कभी करबला दे मैदान विच कुर्बान कीती। अल्लाह ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरे नाल तजारत करदा है, माल दी तजारत करदा है या जान दी तजारत करदा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्न लहुमुल जन्ना। फरमाया बंदा मोमिन रब ने माल दे बदले जाना दे बदले बंदे को इनाम की दिता है, जन्नत इनाम दिता है। फरमाया बंदा रब की रजा की खातर इस्लाम को माल की लोड़ पवे माल भी खर्च करे, जान की लोड़ पवे जान भी खर्च करे। अल्लाह ने वादा किया
वादा की कीता भी अन्ना लहुमुल जन्ना। जेड़ा बंदा इस्लाम दे रस्ते ते माल खर्च करेगा, जान दी बारी आई, एक वाली एक करबला दी तरह इमाम अंबिया दे मोड़ा ते सवारी करन वाले पाक हुसैन दी तरह, हजरत अमीरे हमजा दी तरह, हजरत सैयदना पाक उमर दी तरह, हजरत अबू दुजाना, हजरत तरहा, हजरत जुबैर इन्हां दी तरह, जे जान दी लोड़ पवे माल भी कुर्बान करे, जान दी लोड़ पवे जान भी कुर्बान करे। अल्लाह बदला की देगा। फरमाया वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशकुरून। फरमाया जिना बंदा मेरे रस्ते दे अंदर मर जांदा शहीद हो जांदा है, रब दा कुरान कहंदा उन मुर्दा आखना या अल्लाह मुर्दा है कौन है। फरमाया इन्ना कदा तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा इदा वल्लौ मुदबिरी। फरमाया महबूब देशक तुसी मुर्दियानू अपनी गल नहीं सुना सकते। या अल्लाह मुर्दे कौन ने। फरमाया महबूब मुर्दे ओ ने जेड़ा तेरी गल ना सुने। सुभान अल्लाह। जेड़ा तेरी गल ना सुने वो कौन है? कुरान की कहता है वो कौन है? वो दुनिया ते टुरदा है फिर भी मुर्दा है, मर जावे फिर भी मुर्दा है। वो हसीन होवे, जमील होवे, मालदार होवे, साहिबे नसाब होवे, रब दा कुरान कहंदा है जिहड़ा नबी अली सलाम दी गुफ्तगू नहीं सुनदा, मुस्तफा करीम अली सलाम दी ताबेदारी नहीं करदा। इन्नक ला तुस्मिउल मौता। फरमाया वो मुर्दा है, या अल्लाह जिंदा कौन है? फरमाया अगर बंदा मेरे महबूब दी गुलामी दे अंदर मर जावे शहीद हो जावे या अल्लाह उन इनाम की है। फरमाया दुनिया ते इनाम है वे उन मुर्दा नहीं कहना, वो जिंदा है। बल अहया वलाकिन ला तशकुरून। जिहड़ा मेरे महबूब दा बन के रहे, अगर उन्हें शहादत नहीं मिलती, शहादत दी मौत नहीं मरदा, मगर दाता अली हजरी तरह उन्हें अपने आप नूं पहले मार छड़िया है, अपने आप नूं पहले मार छड़िया है, वो अज भी जिंदा है, अपनी कब्र च अज भी जिंदा है। जे दुनिया ते रह तो फिर अजमता वाले शाना वाले। फरमाया इन्हां वजूदा दे सदके ही मैं जहान नूं कायम रख्या है। सुभान अल्लाह। नबी अली सलाम दे जमाने पाक विच एक आदमी जिंदा नाम सी सालबा। की नाम सी? सालबा। सा ऐन लाम बा हा सालबा बिन हातवर। बहुत गरीब आदमी, पांच वक्त की नमाज अदा करे। नबी अली सलाम अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करो अल्लाह ताला मेनु माल अता फरमाए ते मैं वो माल का हक अदा करांगा, गरीबा नु देवांगा, यतीमा नु देवांगा, रब ताला दे रस्ते विच खर्च करांगा। तो नबी पाक अली सलाम ने फरमाया सालबा थोड़ा माल जिस ते रब ताला दा शुक्र कीता जाएगा उस बहुते माल नालो अफजल है जिंदे ते रब दा शुक्र ना कीता जाए। कहन लगा भी दुआ करो
नबी अली सलाम ने दुआ की थी ते सरकार दी दुआ दी कबूलियत दा आलम इजाबत कसे का आला हजरत ने कलम उठाया इजाबत कसे का इनायत का जोड़ा इजाबत कसे का इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुकी गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद नबी पाक अलैहि सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ताला ने वो बहुत ज्यादा बकरियां अता कर दिया। पहले किन्नियां नमाजा पढ़ता सी बोलिए पांच नमाजा जिंद उनके कोल माल हो गया ज्यादा उन्हें पार्दी जमीन थोड़ी रह गई उन्हें मदीने शरीफ तो थोड़ी जी दूर जमीन खरीद ली उसे अपना मकान बनाया बकरियां दे रहने वास्ते जगह बनाई हूँ सिर्फ जुम्मे दी जुम्मे आना जुम्मा पढ़ के तो फौरन चले जाना फिर उनके को बकरियां और ज्यादा हो गई वो मदीने शरीफ तो और दूर चला गया फिर उन्हें साल बाद आना ईद पढ़ के चले जाना लोगों को हालात पूछते रहने नबी अली सलाम का की हाल है मदीने शरीफ के लोगों का की हाल है कैसे हालात ने तो अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि महबूब अली सलाम अपने बंदियों को मैं माल देता तो हुक्म फरमाओ कि रब ताला रस्ते के अंदर ज़कात दे नबी अली सलाम ने सहाबा इकराम को भेजा सहाबा इकराम तशरीफ ले गए फरमाया साहबा तेरे को पहले कोई माल नहीं सी नबी अली सलाम ने दुआ मंगी रब ताला ने माल दिता हुण इंदी ज़कात दे उन्हें जो हिसाब लाया तो बहुत ज्यादा माल भरिया उन्हें कहा कि तुसी वापस चले जाओ तो मैं मशुरा कर लवा अपने नफस के नाम फिर मैं माल देवगा सहाबा इकराम वापस आ गए हुण वेखो एक पासे सी माल दी मुहब्बत दूसरे पासे सी अल्लाह दे नबी का फरमान लेकिन उस बंदे ने माल नूं तरजीह दित्ती नबी पाक अलैहि सलाम दे फरमान नूं तरजीह ना दित्ती सहाबा इकराम वापस आ गए तो नबी के पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अफसोस सालबा तू हलाक हो गया सालबा तू हलाक हो गया है जो सालबा को पता चलिया कि अल्लाह का नबी नाराज हो गया है तो माल लेके नबी के पाक अलैहि सलाम को लाया तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे रब ताला ने तेरा माल लेन तो रोक दिया पहले तेरे को हुक्म गया तू अपने नफस को अगे रखिया दुनिया को अगे रखिया मेरे फरमान के खिलाफ होया फरमाया तेरे माल को रब ताला ने लैन तो रोक दिता है वो बंदा रोवे पछताए मिट्टी अपने सिर के विच पाए तफसीरे दूसरे मंसूर के अंदर और रूहुल बयान के अंदर लफ्ज़ मौजूद ने मिट्टी अपने सिर में चिपाए पछताए लेकिन अब पछताए क्या बहुत जब चिड़िया चुगे जब चिड़िया चुगे खेत परेशान होया तो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जहरी पर्दा फरमा गए सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को आप दा जमाना खिलाफत आया माल लेके आया कह लगा या अबू बकर सिद्दीक ऐ अमीरुल मोमिनीन तुसी आ मेरे माल दी ज़कात लवो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हो आप ने फरमाया नबी पाक अलैहि सलाम ने तेरा माल नहीं लिया ते मैं तेरा माल किवें कबूल करा तेरा उन माल
रब ताला ने कबूल नहीं करना। क्यों? सरकार दा कबूल करना ही रब ताला दा कबूल है। सरकार दी इताअत ही रब दी इताअत है। सरकार दा लेना ही रब दा लेना है। सरकार दा देना ही रब दा देना है। ओ बंदा जिन्हें अपने नफस को अगे रखिया, फरमाने मुस्तफा को पीछे रखिया, कोई इबादत रियाजत जिक्र अज़कार रब ताला दे अज़ाब तो ओनु ना बचा सकिया, कुरान मजीद दे वाकया तो पता की चलिया, जो नबी पाक अलैहि सलाम दे फरमान दे मुकाबले अपने नफस को या किसी दुनियावी लालच नु अगे रखेगा, ओ रब ताला दे अज़ाब तो बच सकदा नहीं। इस वास्ते इकबाल फरमांदे ने, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदा खुदा बन, या बंदाए जमाना, या बंदाए बन, या बंदाए। ओ किस तरह शेर है मनी साहब, एको पासा रहंदा हीरे छेड़े रख या रांझा, वारस शाह ओनू कदी नहीं माही मिलदा, जेड़ा दो घरां दा सांझा, इको पासा रहंदा हीरे खेड़े रख या रांझा। बुजुर्ग ने मार्फत के गल कीती है, फरमाया जो दुनिया नू अगे रखे और फरमाने मुस्तफा अली सलाम नू पीछे रखे, फरमाया उनकी इबादत रब ताला कबूल करता। जिस तरह सालबा सिर्फ एनी गल कहन ते हलाक हो गया, रब ताला दे अज़ाब विच गिरफ्तार हो गया, उसने कहा मैं जरा मशवरा कर ला अपने नफस दे नाल, बाद विच मार ले भी गया मगर रब ताला ने कबूल किया नहीं। ए माल उही रब ताला कबूल करता है जो खुशी दे नाल रब ताला दे रस्ते दे अंदर मिलता है। मुस्लिम शरीफ दी हदीस, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला आप फरमाते ने नबी के पाक अलैहि सलातो सलाम कुल 10,000 बकरियां, सुभान अल्लाह गूंज पैदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मोहब्बत वाले लोग, बहुत प्यार वाले लोग, कुरान और सुन्नत सुनन दे आदि हो, जरा गूंज पैदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला आप फरमाते ने अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो सलाम कुल कितनी बकरियां, 10,000 बकरियां ने। सही मुस्लिम जिला 2 सफा 253, एक आदमी आका अली सलातो सलाम दे कोल आया, कहता है आका जे मैं तुहाडा कलमा पढ़ लवां, तुसी सुनया बड़े सफी हो सुभान अल्लाह, कहता मैं सुनया है तुसी बड़े सफी हो, बड़े लजपाल हो, मंगल वाले नु कभी मोड़ते नहीं, आका जे मैं तुहाडा कलमा पढ़ लवां, ये 10,000 बकरियां मेनु अता कर देवोगे। मेरे नबी अली सलाम ने फरमाया तू कलमा पढ़ ले, इहदे बदले नहीं मैं रब ताला दी रज़ा दी खातर तेनु सारियां बकरियां इनाम दे देवांगा। बंदे ने कलमा पढ़िया, नबी अली सलाम ने फरमाया ऐ दो पहाड़ा के दरमियान ये 10,000 बकरियां ने लै जा मैं तेनु दे दितियां। सुभान अल्लाह, एक बकरी किसी को दे दे कितना कुछ हो जाएगा, 100,000 10,000 बकरियां अगे लाना नाले मुस्तफा की नाता पढ़ता है, नबी अली सलाम की नाता पढ़ता है, शाना बयान करता है, जब अपने इलाके में पहुंचिया ते जाके कहता कि ये लोगो लोगो असली नु लोगो आओ उस मोहब्बत पाक अली सलाम दा कलमा पढ़ के उन्हें गुलाम बन जाओ। जिन्नी गल पूछी है इन्नी मोहब्बत वाला वादा है, कहता कि लोगो मुस्तफा करीम अली सलाम इन्ना देते ने
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਅੱਲਾਹ ਸਿਆਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਗੋ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਤਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀ 10,000 ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਸਕਾਤ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 521 ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਇਹ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਪਹਾੜ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੀ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਤੋ ਮਸਾਇਲੇ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਥੀਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ 5.5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਲ ਸੱਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਗਲੇ ਦਾ ਤੋਪ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਮਾਲ ਤਪਾ ਕੇ ਕਰਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਦਾ ਮਾ ਕਨਸਤੁਮ ਲਿ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਐਓ ਮਾਲ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਤੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਤ ਆਦਮੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਇਆ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਤਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਇਆ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏਗਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨੀਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 1 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 91 ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਇਮਾਮ ਆਦਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਆਦਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਦਲ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਸ਼ਾਹੁ ਨਸ਼ਾਬੀ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬੀ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤਕਰੀਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਤੋਂ ਆਰਾਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ
ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਖਿਆਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਖਿਆਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਇਏ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ عطا ਫਰਮਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਰਾ ਜੁਲਾ ਨੇ ਤਹਾਬਾ ਫਿੱਲਾ ਵਾ ਤਫੱਤਾਕਾ ਫਿੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਅਸ਼ਾਰ ਦੋੜਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬੀਆ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਣਾ ਪਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਭਾਨ ਰਾਜੂਲਾ ਨੇ ਤਹਾਬਾ ਫਿੱਲਾ ਇਤਮਾ ਅਲੈਹੀ ਵਤਫਰਕ ਅਲੈਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਲ ਹੁਬੁ ਫਿੱਲਾ ਵਲ ਬੁਗ਼ਜ਼ੁ ਫਿੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਰਾਜੁਲੁਮ ਤਤਲਬੁਹੁ ਦਾਤੁ ਮਨਸਿਬ ਜਮਾਲਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰਤ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁੱਲਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਲਾ ਤਾਲਮ ਸ਼ਮਾਲੁਹੁ ਮਾ ਤੁਨਫਿਕ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਇਤ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਰਾਜੁਲੁਮ ਦਾਕਰੰਦਾਹ ਖਾਲੀਆਂ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਈਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰੋ ਪਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਰੋ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਰੋ ਪਿਆ ਇਹ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਵੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸੂ ਬਵੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸੂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸੂਆਂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਆਦਮੀ ਤਨਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਹੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਔਰ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਸੂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਥੀਓ ਜ਼ਕਾਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ